कर्क राशि वालों का आज का राशिफल यानी कि 23 जनवरी 2020 का राशिफल। तो जय सिया राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम आज के पंचांग को देख लेते हैं। आज तिथि है चतुर्दशी, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़, पक्ष है कृष्ण पक्ष और दिन है गुरुवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 7:13 में और सूर्यास्त है 5:52 में। आज का दिन काल है 10:39:13 का। महीना है माघ और आज के दिन आपके लिए शुभ समय है 12:11 PM से 12:54 PM तक। अशुभ काल है 10:46 सुबह से 11:29 तक और दोबारा है दोपहर के 3:02 से 3:44 तक। राहु काल शुरू होता है 1:53 से 3:12 तक और दिशा शूल है दक्षिण दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब हम जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में। दोस्तों, अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो सेहत के लिहाज से आपका दिन बेहतर रहने वाला है। आज अगर अपने खान पान का, रहन सहन का आप ध्यान रख लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य में आज के दिन कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके अंदर ऊर्जा की भी कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है। अगर आपके धन संपत्ति की बात करें तो आज आप पैसे ज़्यादा खर्च न करें, जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ ज़रूरी हो, आज के दिन आप धन खर्च वहीं पे करें। क्योंकि अगर फालतू के जगहों पर आज आप धन खर्च करेंगे तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है, आपको पैसे की दिक्कत आज के दिन झेलनी पड़ सकती है। इस बात को आप ध्यान में रखें, फिर पैसा खर्च करें ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। आज आप अगर शॉपिंग करते हैं तो शॉपिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आपके पास जो वस्तु पहले से है उस वस्तु का यूज करने के बाद ही आप कुछ नया खरीदें तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो ये बेहतर नहीं है, घर वालों के साथ संबंध आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, आपके घर का माहौल भी ज़्यादा बेहतर आज के दिन नहीं रहेगा, तो आप घर के माहौल को बेहतर करने का प्रयास करें। अब है आपका प्रेम संबंध जो कि सामान्य रहने वाला है। हो सकता है तो आज के दिन अपने प्रेमी से अपना दिक्कत, अपनी परेशानी आप शेयर करेंगे, उन्हें आप बताएंगे और बदले में वो भी आपको यही सब बात बताएंगे और आपका मन सुनने के बाद थोड़ा बहुत रूखा हो जाएगा और आपका प्रेम संबंध सामान्य हो जाएगा। अगर आपके वैवाहिक जीवन को देखें तो आज के दिन आपका कोई पड़ोसी आपके दाम्पत्य जीवन में इंटरफेयर करेगा, दखल अंदाजी करेगा, जिसके वजह से आपका दाम्पत्य जीवन ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। अब जान लेते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, उपाय ये है कि आज के दिन आप गौशाला में 1.25 किलो जौ दान कर दें। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपका आज का दिन बेहतर हो जाएगा, दिक्कतें कहीं भी नहीं आएगी। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।